हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न ए लेसन इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सुनामी. सो वी स्टार्ट द चैप्टर. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. ये सब कहानियाँ अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह से ली गई हैं. Ingesius was the manager of a cooperative society in Kachar. Ingesius नाम का एक व्यक्ति जो cooperative society में manager था. Cooperative society means जहाँ पर लोग एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं. Ingesius cooperative society जो कच्छाल में थी वहाँ वो manager था. His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. उसकी पत्नी उसे 6 बजे उठाती है क्योंकि उसने भूकंप के झटके को महसूस किया है. Ingesius carefully took his television set off its table and put it. Ingesius अपने टेलीविजन सेट को उठाकर नीचे रख देता है. It down on the ground so that it would not fall and break. इसलिए कि वह ज़मीन पर न गिर पड़े और गिरकर टूट न जाए. Then his family rushed out of the house. तब उसका परिवार घर से बाहर की ओर दौड़ता है. When the terms stopped, जब टर्म means कंपन, जब कंपन रुक जाती है. दे सॉ द सी राइजिंग इन द कॉज एंड कन्फ्यूजन. क्योस मीन्स होता है अफरा तफरी मच जाना, कोलाहल हो जाना. और उन्होंने देखा कि समुद्र बड़ी तेज़ी से उठ रहा है और वे घबरा गए. टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर. उनके दो बच्चों ने अपने माता पिता के और अपने मामा के हाथ को पकड़ा हुआ था. एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भाग गए. ही नेवर सॉ देम अगेन. उन्होंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उनकी पत्नी भी बह गई. ओनली द 3 other children हु केम विथ हिम वर सेव्ड. केवल 3 बच्चे जो उनके साथ थे वही बच पाए. संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छाल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड. संजीव एक पुलिसमैन था. वह निकोबार द्वीप समूह के कच्छाल द्वीप पर कार्यरत था. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. उसने किसी प्रकार स्वयं को और अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को जो छोटी थी बचाने की व्यवस्था की इन लहरों से. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. लेकिन तब उसने जान के पत्नी की आवाज़ सुनी सहायता के लिए. द गेस्ट हाउस कुक, जो उनके गेस्ट हाउस का कुक था. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रिक्यूज हर. संजीव ने पानी में छलांग लगाई उसे बचाने के लिए. बट दे वर बाथ स्विफ्ट अवे, लेकिन वे दोनों बह गए. 13-year-old मैगना वॉज स्विफ्ट अवे along with her parents and 77 other people. 13 वर्ष की मेघना अपने माता पिता के साथ बह गई और 77 दूसरे लोग भी. She spent 2 days floating in the sea. उसने समुद्र में 2 दिन तैरते हुए बिताए. Floating means बहते हुए. Holding on टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को
पकड़कर। 11 टाइम्स ही सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। 11 बार उसने अपने ऊपर राहत कर्मी के जहाज को देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वे उसे नहीं देख पाए। सी वॉज बॉट टू द शोर बाई ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। एक लहर के द्वारा वह समुद्र तट पर आ गई और समुद्र तट पर वह सदमे में टहलते हुए मिली। डेज मीन्स सदमे में होना। अलमास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमास 10 वर्ष की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वह कार्मल कॉन्वेंट की एक विद्यार्थी थी पोर्ट ब्लेयर में, जहां उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नन कावरे आइसलैंड। उसकी माँ राहिला का घर नन कावरे द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। When the termers came early in the morning, जब कंपन सुबह जल्दी आया, the family was sleeping, परिवार सो रहा था। अलमास फादर saw the sea water recede, अलमास के पिता ने पानी को पीछे होते हुए देखा। रिसीड मिस कम होना या पीछे जाते हुए देखना। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। वे समझ गए कि पानी और अत्यधिक बल के साथ वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। उन्होंने प्रत्येक को जगाया और सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास किया। एज दे रन, जैसे वे दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन। जैसे वे दौड़े, उसके दादा का सर किसी चीज से टकरा गया और वे नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिता उनकी सहायता करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट गेंट वेव दैट सेफ बाथ ऑफ देम अवे। तब एक बड़ी लहर आई और उन दोनों को बहा कर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अलमाज की माँ और आंट एक नारियल के पेड़ की पत्ती से चिपके हुए खड़े थे। कॉलिंग आउट टू हर, उसे बाहर बुला रहे थे। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे दोनों भी बह गए। अलमाज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमाज ने लकड़ी के गठल को तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और वह मूर्छित हो गई। वेन सी वॉक अप, जब वह जागी, सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमोरता। जब वह जागी तो वह कमोरता के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से वह पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट Want to talk about the incident with anyone. छोटी लड़की इस घटना के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। She is still traumatized, वह अभी तक घबराई हुई है।
टेली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स वेन द सुनामी स्ट्रक फिकेट बीच इन थाईलैंड। टेली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी। वह कई जिंदगियां बचाने में सफल थी। जब फुकेट बीच पर थाईलैंड में सुनामी आई थी तो सी वाज ऑन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसलिए उसने कई पुरस्कार भी जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। उसके माता पिता ने उसे, मींस अपनी पुत्री को, इसमें सम्मिलित न होने की अनुमति दी थी और टेलीविजन में एक हीरोइन बनने की। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ एक कहानी थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ का परिवार इंग्लैंड के साउथ ईस्ट से था और वे एक साउथ थाईलैंड के दक्षिणी रिसॉर्ट पर क्रिसमस मना रहे थे। टेली स्मिथ वाज ए 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। टेली स्मिथ एक 10 वर्षीय स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उनके माता पिता पेनी और कोलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की तारीख थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। सुनामी की लहरें पहले ही उनके रास्ते में आ गई। दे हैड बीन टिगर्ड बाई मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमित्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उस समय सुबह जल्द ही उन्होंने एक भारी भूकंप नॉर्थन सुमित्रा की ओर से महसूस किया। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी तेजी से इनकी ओर बढ़ने लगा। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ ने स्मरण किया, याद किया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच, समुद्र तट छोटा और छोटा होता चला जा रहा है। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या घटित हो रहा है। बट टेली स्मिथ सेंसेड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टेली स्मिथ ने महसूस कर लिया कि कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। उसके दिमाग में जियोग्राफी का एक लेसन याद आया जो उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था, थाईलैंड की उड़ान भरने से पहले अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने से पहले टेली सॉ द सी स्लोली राइज। टेली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठा। एंड स्टार्ट टू ए फॉर्म, और एक झाग तैयार हुआ। बबल एंड फ्रॉम विलर पोल्स, और घुमेरियों से बुलबुले ऊपर उठने लगे। सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी। उसने याद किया कि उसने इसे कक्षा की एक सुनामी वीडियो में देखा है।
दैट हैड हिट द हेवन आइसलैंड इन 1946, जिसने हेवन के द्वीप को 1946 में नष्ट कर दिया था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके भूगोल के अध्यापक ने उसकी कक्षा में यह वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और उनको बताया था कि यह सुनामी भूकंप के कारण होती है। वोल्केन्स एंड लैंडस्लाइड्स, ज्वालामुखी और भूस्खलन के द्वारा। टेली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टेली अपने परिवार पर चिल्लाने लगी कि वह बीच से दूर हट जाएं। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वह समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात करने लगी। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वह और अधिक हिस्टेरिकल होती गई। सेड हर मदर, अपनी माँ पेनी से कहती है, आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्रेटनेड, लेकिन अपनी पुत्री को देख डरी हुई देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कि सच में कुछ गंभीर घटना घटित हो रही है। टैलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टैली के माता पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल के पास। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लिफ्ट द बीच विथ देम, एक बड़ी संख्या में दूसरे टूरिस्टों ने भी उनके साथ बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, तब ऐसा हुआ कि पूरा समुद्र बाहर निकल आया हो उनके बाद। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी दौड़ो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, परिवार ने होटल के तीसरे फ्लोर पर शरण ली। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, सुनामी की 3 लहरों के बाद भी बिल्डिंग खड़ी रही। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वे बीच पर ही रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन लाइव, वे जीवित नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, तब स्मिथ दूसरे टूरिस्टों से मिले जिन्होंने अपने परिवार को, पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टेली एंड हर जियोग्राफी लेसन, टेली को और उसके भौगोलिक पाठ के लिए धन्यवाद किया। दे हैड बीन फॉर वार्नेड, और उसकी चेतावनी के लिए। टेली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, टेली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई और अपने क्लासमेट को इस भयानक कहानी के बारे में बताया।